24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से फ्लाई करती है दिल्ली के लिए, लेकिन इस फ्लाइट के लोग अनजान थे कि वो 2 घंटे की फ्लाइट इनकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स सार्थक शो। आज हम बात करने वाले हैं IC 814 के ट्रेलर के बारे में कि भाई कैसा लगा ट्रेलर और क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा और आखिरी हाईजैक था ये। जब प्लेन आसमान की तरफ उड़ चुका था काठमांडू से और जब वो नेपाल के पास पहुंचा था, लोगों को खाना दिया गया था, लोग वहां बैठ के कुछ खाना खा रहे थे, तभी 4 आतंकवादी खड़े होते हैं और प्लेन को हाईजैक अनाउंस कर देते हैं। कॉकपिट में बैठा हुआ कैप्टन के पास जाकर कैप्टन को कहा जाता है कि इस प्लेन को वेस्ट की तरफ ले चलो, यानी कि पाकिस्तान की तरफ ले चलो। जब वो प्लेन पाकिस्तान की तरफ जाता है तो पाकिस्तान उस प्लेन की लैंडिंग को मना कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ऊपर क्यों लेता भाई, एक प्लेन हाईजेक हुआ है और वो पाकिस्तान में लैंड हो रहा है तो ये तो सीधे सीधे वॉर के लक्षण हो जाते। तो पाकिस्तान ने उस लैंडिंग को मना कर दिया। तभी वहां पे कैप्टन देवी शरण की चालाकी और स्मार्टनेस को ध्यान में रखना आप, कि उनने क्या किया, उनने कहा कि इसमें फ्यूल कम है, ये ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो ऊपर रखा, उसके बाद कह दिया कि इसको लैंड करना ही पड़ेगा और उस प्लेन को, इंडिया का प्लेन जो इंडिया में हाईजैक हुआ है, उसको अमृतसर में लैंड करवा दिया। इंडिया का प्लेन इंडिया में हाईजैक हुआ और उसको इंडिया में ही लैंड करा दिया गया। ये बहुत बड़ा अपर हैंड था गवर्नमेंट बॉडी के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा अपर हैंड था, बहुत बड़ा हाथ अपने ऊपर था, हम जो चाहते थे हम वो कर सकते थे। लेकिन इसके बाद हुआ ऐतिहासिक ब्लंडर, इतनी बड़ी मिस्टेक की जो सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा बाप रे क्या कहूंगा, एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, हादसा ही कहूंगा मैं से, और जो हुआ वो देखने लायक नहीं था बिल्कुल भी। उसके कारण हमने बहुत कुछ सहा है भाई, जो उस दिन हुआ ना, उसके बाद 7 दिन का हाईजैक था, 7 दिन तक पैसेंजरों को प्लेन में रखा गया था और कहां से कहां पहुंचाया गया, कहां से कहां पहुंचाया गया, 2 घंटे तो अमृतसर में खड़ा था, लेकिन क्या किया आर्मी ने, क्या किया इंडिया ने, ये सब एक कहानी बनकर रह गई है। तो भाई इस कहानी को अगर आप देखना है, अगर आप चाहते हो इंडिया के बारे में जानना, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना कि कहाँ हुआ क्या हुआ, तो ये फिल्म आपके लिए है भाई। मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म एक प्रोपागेंडा फिल्म बने, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म में सच्चाई को दिखाया जाए। जो सच्चाई हम लोग को पता है वो तो यही सच्चाई है कि उस दिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। अब ये अगर अपने आप को सुधारने के लिए या अपने आप को सही बताने के लिए फिल्म बता रहे हैं तो मैं बिल्कुल इसकी साइड में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये फिल्म सच को दिखाती है तो हैट्स ऑफ टू यू भाई। कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, कास्टिंग परफेक्ट कास्टिंग दिखाई गई, इससे बेटर कास्टिंग नहीं हो सकती, इतनी गजब की कास्टिंग है यार। और अगर फिल्म को सही ट्रैक में दिखाया जाता तो ये माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है और एक इतिहास को अगर कोई इंसान जानना चाहता है उसके लिए बेस्ट फिल्म। फिलहाल इसका छोटा सा ट्रेलर, छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया, जहां पे कैप्टन को दिखाया गया, कुछ लोगों को दिखाया गया क्या हुआ उस दिन, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया, जिसकी कास्टिंग मुझे अच्छी लगी। फिल्म का जो डायरेक्टर है वो मुझे पसंद है, तो देखते हैं फिल्म को किस अंदाज में लेके जाता है। फिलहाल ट्रेलर मुझे ठीक लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसी ऐतिहासिक फिल्म देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा रिव्यू कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नए ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, नई कहानी की बात करेंगे। तब तक के लिए